नमस्कार प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। कक्षा पहली से आठवीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 26 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक किया जाना है। तो ये आपकी डेट शीट है, आप यहाँ देख सकते हैं 26 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू हैं और 15 अप्रैल तक हैं। तीसरी क्लास की अगर हम बात करें तो 26 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, फिर 1 तारीख को है, फिर 5 को है और फिर 8 को है। तो आप इस वीडियो को रोक करके आपकी जो डेट शीट है अपनी क्लास के हिसाब से इसे नोट कर लें। आगे हम देखते हैं क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ आगे बताया गया है कि पहली और दूसरी की वार्षिक परीक्षाओं के लिए अध्यापक अपने स्तर पर विद्यालय में 30 अंकों का मौखिक टेस्ट ऑफलाइन लेंगे। तो पहली और दूसरी के बच्चों की जो परीक्षा है वो अध्यापक अपने स्तर पर लेंगे, उनका बाहर से कहीं से पेपर नहीं आएगा। बच्चे स्कूल आएंगे और अध्यापक उनका मौखिक टेस्ट ले लेंगे। पहली और दूसरी के बच्चों की परीक्षा लेने के लिए माता पिता अभिभावक की लिखित स्वीकृति अनिवार्य होगी। जिन विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, अध्यापक उनका मौखिक टेस्ट दूरभाष के माध्यम से यानी कि फ़ोन पर लेंगे। तो शायद कोई ऐसा माता पिता या अभिभावक नहीं होगा तो जो बच्चे को पेपर देने की अनुमति या स्वीकृति ना दे। आगे इसमें बताया गया है कि तीसरी से आठवीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं अवसर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कराई जाएंगी। आप यहां देखिए कि पहली और दूसरी के बच्चे तो स्कूल में जाकर परीक्षा दे सकते हैं, पर तीसरी से आठवीं के बच्चे स्कूल में जाकर परीक्षा नहीं दे सकते। उन्हें अवसर ऐप पर ऑनलाइन परीक्षा वो होती है जो हम कंप्यूटर या अपने फ़ोन के माध्यम से देते हैं। तो तीसरी से आठवीं के बच्चे अवसर ऐप पर ऑनलाइन परीक्षा देंगे और जो पहली दूसरी के छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में जाकर ऑफलाइन परीक्षा देंगे। सरकार को ये सोचना चाहिए कि काफ़ी सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई फ़ोन नहीं है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार में फ़ोन तो है पर वो बेसिक फ़ोन है, छोटा फ़ोन है, एंड्रॉयड नहीं है। उसमें वो अवसर ऐप कैसे चलेगी, वो अपनी परीक्षाएं कैसे देंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है उन्हें भी ऑफलाइन परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो डेट शीट के अनुसार अवसर ऐप पर सुबह 5 बजे पेपर आ जाएगा और वो रात 12 बजे तक करना होगा। जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हैं। कक्षा तीसरी से आठवीं के प्रत्येक विषय के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं, एक प्रश्न होगा उसके नीचे फिर आपको विकल्प मिलेंगे, एक विकल्प उनमें से सही होगा उसे आपको चुनना होगा। इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, लिखकर नहीं देने, वहीं पर सिलेक्ट करके एक विकल्प को चुनना होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ लिखा हुआ है सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप किसी प्रश्न को छोड़ देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, तो आपका जो पेपर है वो सबमिट नहीं होगा। वो सबमिट तभी होगा जब आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। पिछली बार जब फरवरी में आपने ऑनलाइन परीक्षा दी थी तो कई बच्चों ने बिना कोई प्रश्न का उत्तर दिए सबमिट कर दिया था और वो हो गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको
देने होंगे। कक्षा 3री से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए अवसर ऐप पर परीक्षा देने से पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अवसर ऐप को अपडेट करना होगा। तो अगर आप अवसर ऐप को अपडेट करेंगे उसके बाद ही आपको पेपर दिखाई देगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो पेपर आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप अपडेट कर लें पहले अवसर ऐप को, उसके बाद ही पेपर दे पाए। आगे है 6ठी से 8वीं के जो संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग ये पेपर हैं उन्हें अध्यापक अपने स्तर पर ऑनलाइन लें। इसके लिए व्हाट्सएप, जूम इत्यादि ऐप का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी डेट शीट थी। आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे कहा जाए पेपर देने के लिए वैसे आप पेपर कर देना। धन्यवाद।